हेलो गाइस वेलकम बैक और आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम री लर्निंग के कुछ मॉडल्स और साथ के साथ री लर्निंग की एप्लीकेशंस और एक छोटा सा टॉपिक डीप क्यू लर्निंग उसको जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम प्रीवियस वीडियो का डिस्कशन करते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या समझा तो यार लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो थी हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में जहाँ पे हमने सिंपल सा ये समझा कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग होती क्या है जहाँ पे हम मशीन लर्निंग को बेसिकली इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो खुद कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी और बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स वो खुद ही सीखती चली जाएगी उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे एजेंट एनवायरमेंट स्टेट एक्शन रिवॉर्डल पॉलिसी अगर यार सिंपल सी बात है री इन्फोर्समेंट लर्निंग की आज वाली जो वीडियो है जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर उसके मॉडल्स को डिस्कस करने वाला हूँ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देख के आएँ ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसको आपका लिंक मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैं हंड्रेड परसेंट श्योर करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है बहुत ईजी वे में जो है मैं यहाँ पर आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा तो स्टार्ट करते हैं यार लर्निंग मॉडल्स के साथ तो बेसिकली री लर्निंग के अंदर जो है कुछ मॉडल्स होते हैं जिसके बिहाफ पे जिसके बेसिस पे जो है हमारा मॉडल खुद ही सीखता चला जाता है तो पहला मॉडल होता है इसके अंदर हमारा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस अब री लर्निंग जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम होती है या उसके सोल्यूशनस होते हैं जिनको जो है री लर्निंग खुद से क्लासीफाई करती है अब इस प्रॉब्लम के अंदर जो एजेंट होता है हमारा याद रखिए री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम मॉडल शब्द कम यूज़ करेंगे एजेंट वर्ड का हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं मार्कोव डिसीजन प्रोसेस का जो लर्निंग मॉडल होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो हमारा एजेंट होगा वो जो है सपोज करता है कि उसको बेस्ट एक्शन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन इस करंट स्टेट तो स्टेट क्या होता है एक्शन क्या होता है वो इस मार्क डिसीजन प्रोसेस के अंदर ही हम समझेंगे बट अभी के लिए आप समझिए कि गोल क्या है हमारे मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस लर्निंग मॉडल का कि उसे बेस्ट एक्शन डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू हिस्स करंट स्टेट और अगर वो इस स्टेप को यानी कि बेस्ट एक्शन बेस्ड ऑन इस करंट स्टेट वाले स्टेप को बार बार रिपीट करता रहेगा बार बार वो उस स्टेप को रिवॉर्ड करता रहेगा तो उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे नाम दे दिया मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस सिंपल अब मार्क ऑफ डिसीजन का जो प्रोसेस होता है यो जो मॉडल होता है उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं पार्ट्स होते हैं हमारे स्टेट एक्शन ये सब पार्ट्स होते हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टेट के साथ अब स्टेट जो है बेसिकली एक सेट ऑफ टोकन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हर स्टेट को जिसके अंदर एजेंट हो सकता है सपोज एग्जाम्पल के लिए अभी एक एजेंट है अभी एक री इन्फोर्समेंट लर्निंग मार्कोव डिसीजन प्रोस का लर्निंग मॉडल है वो सिंपल एक जगह पे खड़ा हुआ है तो ये हो गया उसका एक स्टेट यानी कि वो रेस्ट स्टेट में अब उसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो उसकी उसकी होगी स्टेट टू उस एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसने एक और एक्शन परफॉर्म किया तो वो हो गई उसकी स्टेट थ्री तो इस तरीके से मल्टीपल स्टेट्स का जो सेट होगा उसे हम बोलेंगे स्टेट अब ये जो मॉडल है जिसे हम कभी कभी ट्रांजिशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं क्यों क्योंकि हमारा मॉडल हमारा एजेंट जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा वो एक नेक्स्ट स्टेट में जो है मूव ऑन करेगा यानी उसमें उसकी ट्रांजिशन होगी तो इसलिए इस मॉडल का नाम है ट्रांजिशन मॉडल मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस को एम और ट्रांजिशन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है तो ये जो हमारा मॉडल है ये जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा ये जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा बेस्ड ऑन इस करंट स्टेट तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम एज ह्यूमन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से अब ये जो फॉर्मेट है हमारा टी ब्रैकेट एस कोमा ए कोमा एस डैश ब्रैकेट क्लोज ये जो है बेसिकली आपके कभी भी सेट ऑफ़ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या फिर उसको शो करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है अब ये डिफ़ाइन क्या कर रहा है ये डिफ़ाइन कर रहा है हमारे ट्रांजिशन को जिसके अंदर एस जो है हमारी करंट स्टेट है ए एक्शन परफॉर्मड है और स्टेट एस डैश है हमारा कि एस डैश बेसिकली कौन सी स्टेट पे हमारा एजेंट गया सिंपल सी बात है एक स्टेट में एक एजेंट करंट स्टेट में रेस्ट पे था अब उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो वो गया A, हो गया एक्शन ए उसकी रेस्ट स्टेट हो गई एस अब एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो पहुंचा स्टेट वन पे तो वो हो गया हमारा एस तो पूरी इस ट्रांजिशन की जर्नी को जो है इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं अब जो एक्शन हम परफॉर्म करेंगे बार बार, A1, A2, A3, उस सेट ऑफ़ पॉसिबल को जो है हम ऑफ़ एस से डिनोट करेंगे जो कि बेसिकली हमारा सेट ऑफ एक्शन होगा जिसको हम किसी पर्टिकुलर स्टेट एस पे एग्जीक्यूट करेंगे है तो ये री लर्निंग हमें कुछ वैल्यू भी रिवॉर्ड करनी होगी तो वैल्यू जहाँ पे भी हमें रिवॉर्ड करनी होगी तो उसके लिए हमने एक रिवॉर्ड फंक्शन यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया जो कि हम इम्प्लीमेंट या फिर परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एस आर एस क्या दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे हमें क्या रिवॉर्ड मिला और हर एक स्टेट में एक्शन भी होगा तो आर एस ए ये हो गया हमारा उसका नेक्स्ट वर्जन और बेसिकली इस इस स्टेट पर हमने ये एक्शन परफॉर्म किया तो हमें ये रिवॉर्ड मिला बट एक्चुअल में एक और प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कि वो कौन सी स्टेट पे जा रहा है तो बेसिकली आर और उसके अंदर हमारे कुछ पैरामीटर्स आएंगे एस ए एस टी बेसिकली स्टार्टिंग स्टेट एक्शन परफॉर्म और रीचिंग स्टेट या फिर आउटपुट जो है जिस स्टेट पे हम पहुंचेंगे तो ये जो है उसी की हमारी एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट इसके अंदर लर्निंग मॉडल है हमारा क्यू लर्निंग क्यू लर्निंग जो है ये बेसिकली एक एल्गोरिथम का टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडल फ्री री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम अभी आपने देखा अभी हमने सीखा क्या मार्कोव डिसीजन प्रोसेस वो क्या था एक मॉडल था ट्रांजिशन मॉडल बट क्यू लर्निंग जो है ये हमारी मॉडल फ्री लर्निंग एल्गोरिथम है यानी इसके अंदर कुछ मॉडल नहीं होता है थोड़ा डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल में समझते हैं कि क्यू लर्निंग होता क्या है क्यू लर्निंग जो है बेसिकली आपकी वैल्यू बेस्ड री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि एजेंट को इनेबल करती है यानी एजेंट को अलाउ करती है पॉलिसी से सीखने से अब पॉलिसी क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये जो पॉलिसी है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू वैल्यूज के साथ अब ये जो क्यू वैल्यूज हमारी होती है ये क्यू वैल्यू होती है हमारी स्टेट ऑफ एक्शन पे आई यानी कि स्टेट और एक्शन का पेयर को जो है हम क्यू वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अभी स्टेट एक्शन के पेयर को हमने हमारे अभी मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस में भी समझा था बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है वहाँ पे एक ट्रांजिशन होता था टी एस कॉमा ए कॉमा एस डे बेसिकली वो ट्रांजिशन मॉडल था बट यहाँ पे क्यू वैल्यू क्या है ये सिर्फ हमारी वैल्यूज़ हैं स्टेट और एक्शन के पेयर की यहाँ पे रीचिंग स्टेट एस डैश नहीं आती है तो यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे आता है हमारा एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड बेसिकली स्टेट और एक्शन जो भी हमारे एजेंट ने परफॉर्म किया उस पर जो भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा और मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें जो फाइनल रिवॉर्ड का सम होगा यानी कि क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड बेसिकली क्यूमलेटिव सम होगा जो हमारे रिवॉर्ड का उस वैल्यू को जो हम क्यू वैल्यू के नाम से यहाँ पर डिफाइन करते हैं अब ये जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा गोल क्या होगा हमारा गोल होगा कि हमें ऑप्टिमल पॉलिसी डिफाइन करनी है ऑप्टिमल पॉलिसी का मीनिंग है कि हमारा जो भी रिजल्ट होगा जो भी हमारा रिवॉर्ड होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए और हमारी पॉलिसी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए अब क्यू लर्निंग की वैल्यूज अपडेट होती हैं बार बार और बार बार जो है रिवॉर्ड्स जो होते हैं हमारे उनको हम ऑब्जर्व करते हैं अब सपोज एक पर्टिकुलर स्टेट एक्शन का पेयर है उसको एजेंट ने एग्जीक्यूट किया उसको रिवॉर्ड मिला प्लस वन यानी हमने स्टेट एक्शन पेयर से वैल्यू भी क्यू वैल्यू भी रिकॉर्ड की और उसका रिवॉर्ड भी ऑब्जर्व किया बट नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि वो एक और मूव करेगा वहाँ पे कुछ नया स्टेट नया एक्शन डिफाइन होगा वहाँ पे कुछ उसको पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा तो इस तरीके से हम क्यू वैल्यूज़ और रिवॉर्ड्स को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं और हमारा मोटिव क्या है अगेन फाइनल यानी कि मैक्सिमम क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करना नेक्स्ट स्टेट के लिए अब क्यू लर्निंग के बाद थर्ड हमारा इसके अंदर प्रोसेस है लर्निंग एलगोरिदम है और री लर्निंग की जिसे हम बोलते हैं क्यू लर्निंग एल्कोरिदम अभी जो आपने क्यू लर्निंग पढ़ा है क्यू लर्निंग होता क्या है उसी का डिटेल्ड वर्जन है क्यू लर्निंग एल्कोरिदम कि बेसिकली वो एल्कोरिदम वर्क कैसे करती है सबसे पहला स्टेप होता है इनिशियलाइज क्यू टेबल एक क्यू टेबल हम बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे तो बेसिकली एक क्यू टेबल यहाँ पे हम बनाएंगे अब जो कि क्या डिफाइन करती है जो कि डिफाइन करेगी हमारे नंबर ऑफ एक्शंस को नंबर ऑफ स्टेट्स को अब कॉलम हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ एक्शंस के साथ तो रोज हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डिफाइन किया जिससे आपको ईजिली समझ में आए कि क्यू लर्निंग एलिगोरियत वर्क कैसे करेगी तो इसके अंदर एक करेक्टर है जो कि चार स्टेज में जो है यानी कि चार स्टेट है उसकी आप डाउन लेफ्ट एंड राइट चार स्टेजेस में जो है वो मूव कर सकता है और उसके चार पॉसिबल एक्शंस हैं स्टार्ट आइडल रॉन्ग पाथ और एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसिकली आपके स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं अब सबसे पहले जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे क्यू टेबल को तो उसकी वैल्यूज को हम जीरो से डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक्शंस रोज के अंदर एक्शंस डिफाइन किए हैं और कॉलम्स के अंदर हमने यहाँ पे हमारा करेक्टर डिफाइन किया है अब सेकंड स्टेप आता है हमारा चूज एन एक्शन अब हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है आप जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे सपोज यहाँ पे हमारे एजेंट ने क्या रेंडम एक्शन लिया डाउन या फिर राइट right का बेसिकली वो हमारा डाउन या फिर राइट right मूव करेगा और जैसे वो डाउन या राइट right मूव करेगा उसे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे उस रिवॉर्ड की वैल्यू को उस पर्टिकुलर क्यू टेबल में अपडेट कर देंगे थर्ड आता है परफॉर्म एंड एक्शन एक्शन चूज़ किया है अब एक्शन सही में परफॉर्म होगा जब एक्शन परफॉर्म होगा और एक्शन परफॉर्म होने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलेगा और अगर रिवॉर्ड पॉजिटिव है तो हमारी पॉलिसी क्या कहती है कि हमें उस स्टेप को बार बार इंक्रीज या फिर उस स्टेप को बार बार हमें लूप में करते रहना है ताकि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो और हमारी पॉलिसी ऑप्टिमाइज हो जाए तो जैसे ही फर्स्ट एक्शन और स्टेट हमें मिलेगी उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे यूज करके क्यू टेबल में अपडेट कर देंगे और इसी तरीके से हमारी क्यू टेबल की सारी वैल्यूज जो है बाद में जीरो होती रहेगी एग्जाम्पल के लिए आप देखिए सबसे पहले हमने एक स्टेप चला स्टार्ट और डाउन ये जो है हमारा एक एक्शन स्टेट था जैसे ही एजेंट ने मूव किया डाउन वो किस स्टेज पे पहुंच गया और पहुंच गया हमारी स्टार्टिंग स्टेट पे तो यहाँ पे स्टेट क्या है स्टार्ट एक्शन क्या है डाउन और रीचिंग स्टेट क्या है हमारी रेस्ट से वो पहुंच गया स्टार्ट पे तो ये बेसिकली आपका एक स्टेट एक्शन का फेयर हो गया इस तरीके से हम वैल्यूज़ को अपलोड करते चले जाएंगे और वैल्यूज़ को अपडेट करते चले जाएंगे हमारी क्यू टेबल के अंदर अब अगर आप देखेंगे जैसे ही फोर्थ स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया है कि इस तरीके से आप क्यू टेबल को अपडेट करते चले जाएंगे और क्यू टेबल को अपडेट करने के लिए मैथमेटिकली सिस्टमेटिकली स्टैटिस्टिकली या फिर हम बात करें कंप्यूटेशनल टर्म में एक क्यू फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जो कि आपका इस तरीके से डिफाइन करता है क्यू ब्रैकेट में एस टी कोमा ए टी एस टी आपका स्टेट है ए टी आपका एक्शन है और इस तरीके से फाइनली आपकी क्यू टेबल जो है एक इस फॉर्म में अपडेट हो जाएगी जहाँ पे जो जो एक्शंस आपने परफॉर्म किया उसके बेस पे रिवॉर्ड्स और रिवॉर्ड की वैल्यू आपकी क्यू टेबल में अपडेट होती चली जाएगी अब आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर एजेंट क्या कर रहा था आपके एनवायरमेंट को एक्सप्लोर कर रहा था जब भी वो एनवायरमेंट को एक्सप्लोर करेगा तो हमें क्या करना है क्यू टेबल की वैल्यू को अपडेट करना है बिकॉज री लर्निंग क्या है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और उसके बेसिस पे वो सीखेगा ये हमारा री लर्निंग का सिंपल सा फंडा है जब भी वो एक्सप्लोर करेगा हमें क्यू टेबल को अपलोड करते चले जाना है और जैसे ही फाइनली हमारी क्यू टेबल पूरी तरीके से अपलोड हो जाएगी अपडेट हो जाएगी तो इसका मतलब हमें क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा एंड देन हम कुछ कमिट कर सकते हैं कि अगर इस स्टेट पे हमारे एजेंट ने हमारे रोबोट ने ये एक्शन परफॉर्म किया तो उसका ये रिवॉर्ड है और अगर ये रिवॉर्ड की वैल्यू हाईएस्ट है इट मींस हमारी मॉडल की एक्यूरेसी हाई है हमारा री लर्निंग का एजेंट अच्छे से वर्क कर रहा है और अगर वहाँ पर रिवॉर्ड की वैल्यू कम है इट मींस कि हमारे मॉडल को और ट्रेनिंग करने की अभी हमें ज़रूरत है अब क्यू लर्निंग फंक्शन की अभी मैंने बात की क्यू लर्निंग का फंक्शन क्या है सेम ये सिंपल सा एक फंक्शन है जो कि आपकी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है स्टेट और एक्शन जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड जो अभी मैंने आपको बताया कि हमें हाईएस्ट रिवॉर्ड वैल्यू चाहिए होती है जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं या जिस भी स्टेट पर हम पहुँच रहे होते हैं ताकि हम जो है हमारी ऑप्टमल पॉलिसी को रीच आउट कर सके यानी कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी को हाइएस्ट मेंटेन कर सके अब क्यू लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो क्यू फंक्शन जो है बार बार अपडेट होता है बार बार क्यू अपडेट होता है क्योंकि हमारा मॉडल एक्सप्लोर करता है एक्शंस परफॉर्म करता है किसी स्टेट पे पहुंचता है उसके बेस पे क्यू वैल्यू में टेबल अपडेट होती है और क्यू वैल्यू में टेबल के अंदर वैल्यू अपडेट होगी तो अगेन क्यू लर्निंग का जो फंक्शन है ये भी आपका बार बार रन होगा और उसके बेसिस पे रिवॉर्ड जो भी हमें मिलेंगे उसको वो मैक्सिमम क्यू वैल्यू या फिर स्टेट के अंदर जब भी हम उस वैल्यू को यूज करेंगे तो उसको वो जो है क्यू लर्निंग फंक्शन की हेल्प से अपडेट कर देगा सिंपल इसीलिए मैंने आपको बोला था हमारे लास्ट वीडियो जिसके अंदर हमने एजेंट स्टेट एनवायरनमेंट इन सब के बारे में डिस्कस किया है अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्यू लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल्स बहुत ही ज्यादा आसान है तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के इस वीडियो के अंदर जो की है एप्लीकेशन ऑफ री इन्फोर्समेंट लर्निंग की री इन्फोर्समेंट लर्निंग की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या क्या है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा गेमिंग और एंटरटेनमेंट आप जितने भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर्स के साथ प्ले कर रहे होते हैं बेसिकली आप एक मूव करते हैं कंप्यूटर एक मूव करता है या फिर कंप्यूटर आपके साथ खेल रहा होता है वहाँ पे आप समझ जाइए री लर्निंग के थ्रू हमारे मॉडल को ट्रेन किया गया है एग्ज़ाम्पल है इसका अल्फ़ागो और चेस इंजन अल्फ़ागो गेम बहुत ही एक फेमस जैपनीज़ गेम है जिसके अंदर री इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हमने जो है वर्ल्ड चैम्पियन को भी जो है हमारे री इन्फोर्समेंट लर्निंग के मॉडल ने हरा दिया था अभी अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो एग्ज़ाम्स के फोकस से आप इसको पढ़िए अगर आप डीपली मशीन लर्निंग को समझना चाहते हैं तो अल्फ़ागो आपका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आप गूगल पे यूट्यूब पे जहाँ अल्फा अल्फागो और री लर्निंग का कोरिलेशन देख सकते हैं सेकेंड हमारा एग्ज़ाम्पल है एप्लीकेशन है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जहाँ पे भी हमें रोबोट्स को ट्रेन करना होता है तो हम री लर्निंग का यूज करते हैं और हमारी जो दो वीडियोस जहाँ पे हमने री लर्निंग के अंदर सीखा जहाँ पे भी मैंने एजेंट वर्ल्ड का यूज़ किया इट मीन्स हमने वहाँ पे रोबोट को ट्रेन किया है लेमन टर्म्स में जहाँ पे भी ऑटोमेशन होती है रोबोट खुद कुछ, कुछ काम करता है यानी कि अगर वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है जैसे कि कुछ ग्रास्प करना कुछ समझना सीखना या फिर कुछ नेविगेट करना तो समझ जाइए कि वहाँ पे रोबोटिक्स या फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग का हमने वहाँ पे यूज़ किया है थर्ड एग्जांपल इज़ फाइनेंस और फाइनेंस के अंदर अगर देखा जाए तो जो भी हमारी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स होती हैं या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे कुछ नेक्स्ट वैल्यू प्रोडिक्ट होती है ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये वैल्यू होगी हमारी ट्रेड की उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नॉर्मल लैंग्वेज में बट बिहाइंड द सीन्स वहाँ पर री लर्निंग काम कर रही होती है ये एक और एप्लीकेशन है हेल्थ केयर के अंदर जहाँ पे पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एग्जामिन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पेशेंट अब सभी पेशेंट्स अलग अलग होते हैं उनकी डिसीजेस अलग अलग होती है तो उन पर्टिकुलर पेशेंट्स को समझने के लिए अगर हम एक रोबोट डिज़ाइन कर दें जो कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग बेस्ड हो वो उस पर्टिकुलर पेशेंट की नस नस पकड़ लेगा उसकी छोटी छोटी हरकतें पकड़ लेगा छोटी छोटी एक्टिविटीज समझ लेगा और जब भी अगर हमें उसकी बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर से उसकी डिजीज़ से रिलेटेड किसी भी एक्सपर्ट से हमें डिस्कशन करना होगा तो हमारे पास अगर वो डेटा रहेगा जहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी करने के बाद इस पर्सन को ये डिजीज़ हुई तो वहाँ पे क्या होगा हमारा मॉडल उस चीज़ को डिटेक्ट करने का और हम एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं पेशेंट के लिए जिससे हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन अब मूव ऑन करते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक की तरफ इस वीडियो के जो कि है इंट्रोडक्शन टू डीप क्यू लर्निंग अभी आपने क्यू लर्निंग के बारे में समझा और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ बहुत ही छोटा टॉपिक है डीप क्यू लर्निंग डीप क्यू लर्निंग जिसे हम डी क्यू एन के नाम से भी जानते हैं ये बेसिकली आपका री इन्फोर्समेंट लर्निंग एलगोरिदम का ही टाइप है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके बनाया गया है अब नाम सुनिए आप डीप क्यू लर्निंग क्यू लर्निंग आपको समझ में आ गया तो पहला प्रिंसिपल है आपका क्यू लर्निंग अब डीप ऐसा क्या है मशीन लर्निंग के अंदर जहाँ पर डीप वर्ड यूज़ होता है वो है डीप न्यूरल नेटवर्क्स तो सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क्स और इन दोनों के प्रिंसिपल्स को अगर हम कंबाइन कर दें या डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर स्पेसिफ़िकली अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो सी यानी कि डीप सी एन एन डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के प्रिंसिपल और क्यू लर्निंग के प्रिंसिपल को अगर हम ऐड कर दें कंबाइन कर दें तो बन जाता है हमारा डीप क्यू लर्निंग अब डीप क्यू लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी डीप माइंड नाम की एक ए आई बेस्ड कंपनी है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इसके जो है बहुत सिग्निफिकेंट हमें रिजल्ट मिले थे जिसकी वजह से अगर आपने गेम का नाम सुना हो अटारी अटारी बेसिकली आपका एक कंप्यूटराइज गेम है जिसके अंदर छब्बीस सौ लेवल है तो उस हाइस्ट लेवल को जो भी जो है हमने किसी ह्यूमन की परफॉर्मेंस को सरपास कर दिया था इट मीन्स उस अटारी गेम के हाईएस्ट लेवल पे जहाँ पे ह्यूमन की परफॉर्मेंस थी उस लेवल को भी जो हमने सरपास कर दिया था यानी डीप क्यू लर्निंग जो है ये बेसिकली आपकी इस गेम की मास्टर हो गई थी तो इसलिए एक छोटा सा टॉपिक था बिकॉज ये डीप क्यू लर्निंग जो है आपका डीप कॉन्वल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी कि न्यूरल नेटवर्क और क्यू लर्निंग के प्रिंसिपल से मिल बनाया गया है तो ये था हमारा री इन्फोर्समेंट लर्निंग का पूरा सिलेबस पूरा निचोड़ पूरा हमारा टॉपिक वाइज डिटेल विद एग्जाम्पल्स हमने समझा विद एक्टिविटी हमने समझा और कहाँ कहाँ पे यूज होता है बेसिकली रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ भी हमने यहाँ पे इनको समझा थैंक यू